यो यो हनी सिंह इतना ही था बस। तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? हो सकता है कि सुबह उठते ही आपको मेल मिला हो जिसमें गूगल का मेल आया कि भैया हमने GDPR के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज अपडेट कर दी हैं, हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, आप देख सकते हो। या आपने किसी के मुंह से कान से सुन लिया हो कि हाँ भैया GDPR। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या है GDPR। भैया GDPR एक कानून है जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। फिलहाल यूरोपियन यूनियन में ही से लागू किया गया है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर है, क्योंकि आपने देखा होगा ना पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा मामला खराब चल रहा है। फेसबुक का डाटा ब्रीच हो गया, यहाँ डाटा ब्रीच, फलाना ढिमक का आग लग गई, यो इस तरह की चीजें आपने सुनी है। तो इसी के चलते एक कानून बनाया गया है, 1995 के कानून को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि पहले जो जानकारी स्टोर करके रखी जाती थी, फिलहाल डिजिटल वर्ल्ड में इन जानकारी को अलग तरह से स्टोर और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसे अपडेट करके GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के नाम से यूरोपियन यूनियन में लागू कर दिया गया है। एक वर्ड में, हमारे जो यूजर्स का डेटा है, सारी डिटेल, नाम, IP एड्रेस, बायोमेट्रिक डिटेल या हमारा सेक्स ओरिएंटेशन या कुछ भी, वो सब प्रोटेक्ट करने के लिए ये GDPR बनाया गया है, कंपनियों पर लागू कर दिया गया, चाहे LIC हो, चाहे बैंक हो या कोई भी डिजिटल वेबसाइट हो, उनसे कह दिया भैया ये कानून है। एक कानून में ये आता है कि यदि आप यूजर्स का डेटा रखना चाहते हो तो आपके पास वजह होनी चाहिए, यूं मजे लेने के लिए नहीं रख सकते। आपको यूजर्स का डेटा रखना है तो वाजिब कारण होगा। एक, यदि यूजर्स चाहता है कि भैया हमें ना अपना डेटा उस सर्वर से डिलीट कराना है, तो भाई आपको वो डेटा डिलीट करना होगा, और यूजर्स को पता होगा कि उनके पास आपकी क्या क्या जानकारी है, मतलब आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पड़ोसन से मामला चल रहा है, वो सब उनको पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि उन्हें क्या पता है। आपने व्हाट्सएप पर आप डाउनलोड कर सकते हो, फेसबुक में आपको डिटेल मिल रही है, गूगल में डिटेल मिल रही है कि उनकी क्या क्या जानकारी, आपकी जानकारी उन्होंने रखी हुई है। तो ये जो जानकारी, ये ट्रांसपेरेंट रहेगी GDPR के अकॉर्डिंग, ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अगर किसी कंपनी ने ये जो नियम है ये तोड़ा, तो भैया पूरे साल का जो भी उनकी ग्लोबल सेल हुई है उसका 4% इनको हर्जाना देना पड़ेगा, जो कि करोड़ों में बैठता है। और अगर कोई छोटी कंपनी है, उसने ये कानून तोड़ा, तो भैया उसे 160 करोड़ यानी $23.5 million का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये इन पर चार्ज लगाया जाएगा। और अगर डाटा ब्रीच हो जाता है किसी कंपनी का, मतलब किसी कंपनी का, जैसे अभी फेसबुक का हो गया था ना, अगले ने छुपा के रखा और यूं मजे लेते रहे, तो ऐसी स्थिति में नहीं, 72 घंटे के अंदर आपको अथॉरिटीज को बताना होगा कि भैया हमारा डाटा चोरी हो गया है, पूरी डिटेल आपको देनी होगी। ये GDPR का नियम है। तो पूरी तरह से, पहली बात, 72 घंटे के अंदर बताना होगा यदि डाटा ब्रीच हुआ है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने यूजर्स का कौन सा डाटा रखा हुआ है, और तीसरा, अगर यूजर चाहता है कि भैया मुझे ना डिलीट करवाना, मैं नहीं चाहता वहां मेरी जानकारी जाए, तो वो डिलीट भी करवाना होगा। तो ये GDPR में आ रहा है। और भैया गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने तो डर के मारे पहले ही GDPR के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज अपडेट कर ली हैं। मुझे तो राउडी राठौड़ का वो सीन याद आता है जब अक्षय कुमार उन्हें गन्ने से पेल रहा होता है ना, धड़ा धड़ धड़ा, और लास्ट वाला अपनी बनियान उठा खड़ा हो जाता है कि नहीं भाई मैं पहले ही तैयार हो जाता हूं। तो ये तो पहले ही तैयार हो गए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप गूगल, ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप, जहां भी आप देखो आपने क्या क्या डिटेल दे रखी है, और आपको लगता है कि नहीं जी इसमें तो हमारी वो वाली पड़ोसन के चक्कर वाली डिटेल भी जा रही है, तो भैया डिलीट करवा लेना। और एक और बात, अपने चंचल मन तन बदन को ना थोड़ा कब्जे में रखा करो, मुंह उठा के कहीं भी कोई भी डिटेल दे देते हो ना, और ये जो पॉर्न देखते हैं तुम में बड़ी आग लगी होती है अपने डाटा को देने की, सुधर जाओ। तो भैया मेरी बात और मुझसे ये मुलाकात जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में भी जरूर कह देना, और हमारे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भैया एक बात बताऊं, जब मॉल में जाओ ना, हाँ तू बजा ले पहले बेटा, मेरी बात में सुन लेंदी हो। भाई एक सलाह दूं, जब मॉल में इंग्लिश गाना चल रहा हो ना, तो अपनी मुंडी को अच्छी तरह हिलाते रहो, ताकि बराबर में जो लड़कियां हो ना उन पे इंप्रेशन पड़ता रहे कि भैया लौंडा इस गाने को तो रोज सुनता है, चाहे गाना घंटा समझ ना रहा हो। अरे हाय हाय नखरा तेरा नी, हाय रे तेरे गबरू रुमारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे।